fail. Are you listening? Hey guys, so welcome to my vlog. Ani kaise aat tumi? So aaj hai 14 Feb aur aaj jaise ki Valentine Day hai, to bahut logon ne manaya, bahut logon ne nahi manaya, par usme itni badi baat nahi hai. Aur aaj 14 Feb matlab aaj hamare ghar pe Ganpati aayenge, par Ganpati hai actually kal 15 Feb aur ye jo Ganpati aate hain wo mere sister ke ghar pe aate hain, matlab Riva ke ghar pe. Aur aaj kya usko kya bolte hain, Maghi Ganpati. Ha, ye bahut logon ko nahi pata hai ki ye beech mein aise Ganpati aate hain. तो ये डेढ़ दिन के ही रहते हैं, तो आज जयंती मतलब गणपति बप्पा का बर्थडे. यस, तो आज हमारे घर पे सब आए, सब मेरी पूरी फैमिली. जो लोगों ने मुझे बोला था कि मतलब आपकी पूरी फैमिली दिखाओ, तो ये व्लॉग में मैं ज़रूर दिखाऊंगी. और सब अभी तैयारी चल रही है, तो मैं आपको दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी, कौन आ रहा है, कौन नहीं, क्या क्या मज़े करते हैं. ये व्लॉग इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि आपको भी मेरे साथ शामिल करूँ, मतलब आप भी इसमें आ जाओ और मुझे ब्लेसिंग दो. हमारे घर पे गणपति आ चुके हैं और ये मेरी मौसी थी, वो शर्मा रही है. और गणपति आ चुके हैं यहाँ पे, मैं आपको कल अच्छे से दिखाऊंगी. और सब अभी तैयारी चल रही है पूरे घर में, सब सब मेहमान आए हैं, मेरे रिलेटिव्स आए हैं. और यहाँ पे निशी चोपड़ा है, रोहित झुंझुर के बहन आ चुकी है, मम्मी आकर हाय. हाय मौसी. ओ आपका लड़का किधर है? लड़का दिल्ली में. ओ यही माझी मामी है. आय माझी मावशी तो माहिती है. तर हे आम्ही सगळे आता फुल बिल कट करते हैं, तैयारी करके मतलब हम लोग आज का कंप्लीट करेंगे काम. और मैं दिखाऊंगी आज थोड़ी थोड़े मतलब मूवमेंट्स यहाँ के, और फिर कल पूजा, फिर शाम को सब आएंगे, हम लोग रेडी होंगे, वो सब मतलब जो जो मज़े करेंगे वो आपको दिखाऊंगी. तो गणपति जी की स्थापना हम लोग कल मॉर्निंग में करेंगे. अभी यहाँ पे वो डेकोरेशन चल रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा पीछे. तो कल मॉर्निंग में पूजा होगी, फिर सब आएंगे. तो कल जो जो होगा आपको मैं कल दिखाऊंगी. अभी हम लोग बहुत थक गए और अभी मतलब काम चालू ही है, तो कल सुबह जल्दी उठना है, फिर उसके बाद रेडी होंगे बस, और फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में. और आज हम लोग सुबह जल्दी उठे और मैं और सानू हम लोग जा रहे हैं. कल एक जो इंसान है कम था, आप लोगों ने मेरी पूरी फैमिली देखी, पर कोई तो कम था, तो रोहित नहीं था. तो रोहित दिल्ली गया था और रोहित दिल्ली से आ रहा है और उसकी फ्लाइट मॉर्निंग की थी, तो अभी उसको हम लेने जा रहे हैं. और नहीं जाती ना तो मेरे को सच में बोलता, मतलब हम मतलब वो बोल रहा था, हाँ तू इतनी बिजी हो गई क्या, तू मुझे लेने भी नहीं आ सकती. तो और मैं अभी अच्छी गाड़ी चला लेती हूँ, तो बोला चलाती हूँ. तो अभी जाते हैं, उसकी फ्लाइट अभी शायद 9:30 बजे तक तो वो पहुँच जाएगा, मुझे भी अभी 10 मिनट है. रोहित है और मुझे नहीं पता था ये ना, इसे चुपचाप उधर से मेरी ये देख रहा है क्या. नहीं, इसको इसको गाड़ी आती हुई थी, कुछ नहीं है. हमने लेके आए ये, हाँ एवडे लागू मी घेऊन आली, ऑब्वियसली मी फर्स्ट टाइम आली है. जैसे कि मैंने बोला, मॉर्निंग में हम लोग एयरपोर्ट गए थे रोहित को लेने, और फिर रोहित को लेके आए. रोहित सोया अभी घर पे, और अभी हमारे घर पे गणपति की स्थापना हो चुकी है, और मेरी पहना ट्रेडिशनल फुल रेडी हो चुकी है. मतलब ये तो अभी ट्रेडिशनल हो चुकी है, और बाद में हम लोग सब होने वाले हैं. आज बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसे डिसाइड किया था, मतलब उसने किया था, मेरी सिस्टर ने सबका ऐसा प्लान किया है कि आज हम लोग सब ट्रेडिशनल लुक करेंगे. तो अभी खाना पीना सब ऊपर चालू है. अभी लोग थोड़े कम आ रहे हैं बिकॉज कोविड की वजह से, बट शाम को बहुत सारे लोग रहते हैं. अभी बहुत सारे मेहमान भी आए हैं. अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो सिर्फ रोहिणी और मैं ऊपर आए, क्योंकि सबको बोल बोल के थक गए कि खाना खाने ऊपर चलो, पर हम लोग को अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है. रोहित तो बेचारा ऐसे ही सो गया बिना खा के, तो कोई नहीं, हम लोग उसके लिए पार्सल लेके जाएंगे घर पे. क्या
टिकटॉक में मोड डालो ये टिकटॉक थोड़ी यूट्यूब टिकटॉक बंद हो गया फिर भी टिकटॉक टिकटॉक चल रहा है तो अभी खाना खा के हो चुका है और बहुत नींद आ रही है यार क्योंकि ना मुझे मैं 4 बजे उठी थी और सच में मुझे बहुत नींद आ रही है बिना मतलब के 4 बजे उठी हूँ क्योंकि इसके भाई को भी लेने जाना था ना सच में एयरपोर्ट पे ना ऐसे खड़ा था ना कि मैंने उसको पहचाना ही नहीं सच में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था आज पिट्टू बहुत ज्यादा जब तू ब्लॉग देखेगा तो तेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेडी होने के लिए गणपति का मतलब अभी गणपति में शाम को सब जनाएंगे और आज हम लोग एकदम मस्त रेडी होने वाले सब लोग सो आप वेट करना बाय। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और आज मैं एकदम मराठी लुक मेरे किया है और सब गए अभी सिर्फ लास्ट में बचे रोहित निशी और मैं और ऑलमोस्ट सब गए क्योंकि सब रेडी हो रहे थे और वहाँ पे सब हमारी राह देख रहे हैं अभी बहुत लेट हो चुका है तो उधर जाके हम लोग आपको दिखाते हैं कि कौन कौन आए मैं सब दिखाती हूँ पर थोड़ी देर बाद क्योंकि नीचे जो भजन बोलते हैं वो चल रहा है आरती चल रही है मेरा यहाँ पे देखो हमारे गणपति जी मैं भी सब हमारी फैमिली से मिलवाती हूँ एक जो भागने वाला इंसान हमेशा चुपता रहता है ये और मेरी दीदी बहुत टायर्ड हो चुकी है उसके साथ मैं हमेशा कभी भी मतलब फोटो नहीं निकालती तो अभी ये कुछ नहीं बोलेगी बिकॉज अभी वो थोड़ी परेशान हो गई है और यहाँ पे सब ये तो सब आप इनको जानते हो ये सब मेरे मम्मी पापा मौसी पिसी मामी मम्मी सब है हाँ ये सब फोटो से सानू ओ सानू आज पहली बार लड़की लग रही ओह माय गॉड नीता खूप छान दिसतेस गा यार मैं बहुत एडेड हो गया हूँ क्योंकि मैंने ना पूरी रात भर ट्रैवलिंग की है एंड इधर सब लोग हैं तो वो आवाज़ से मतलब बहुत इरिटेट हो रहा है बट कुछ नहीं एनीवे ये रीजन था मेरा आने का मजा आ रहा है सागर भाई अभी हम लोग नाचेंगे थोड़ी देर में हम लोग नहीं ये लोग ये भी नाचेगा मैं सोऊंगा अभी ना ये नाचना रो अभी है ना नाचो ना एक्टिंग नको करू जस्ट टच झाले ये हमेशा की ओवर एक्टिंग आप लोगों ने देखा होगा हम लोग नाच रहे थे और बहुत ज़्यादा थके और अभी टाइम भी बहुत टाइम हो गया अभी 3 बज रहे हैं फिर भी ये नाच रहे हैं जैसे यहाँ पे जागरण होता है तो वो खेल रहे हैं और आज बहुत मज़ा आया बहुत सब लोग आए थे तो ऐसे फैमिली के साथ थोड़ा फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने अच्छा लगता है और आज मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसे गजरे लगाए थे मुझे बहुत टाइम से लगा रहे थे तो ऐसे फुल मतलब ऐसे मेकओवर करके मुझे बहुत अच्छा लगा Hey guys, so अभी हम लोग सो के उठे हैं मतलब मैं अभी बजे है 5 और अभी गणपति का विसर्जन होगा और जैसे कि मैंने कल बोला था हम लोग बहुत आज रहे थे पर कल रीवा को आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा किधर थी तू बोल कहाँ पे थी क्यों नींद आ रही थी क्यों नींद आ रही थी ऐसे ही और ये कल पूरा दिन गायब थी इसका कैसा है ना अगर कोई घर में आता है ना मेहमान या छोटे बच्चे ये मुझे तो बिल्कुल भाव नहीं देती और कोई नहीं रहेगा तो मेरे पास आएगी ना और अभी वो मस्त रेडी हुई कल हम लोग ऐसे रेडी हुए थे आपने तो देखा था मैं तो सो रही थी इसलिए मैंने कुछ किया नहीं अच्छी लग रही हूँ मैं अभी गणपति किसके घर पे मेरे ओ
इसके घर पे गणपति और यही सोई है। सुबह 5 बजे में सोई थी और अभी मैं 3 बजे हम लोग रोहित और मैं लास्ट सबसे लास्ट खाना खाने आए थे और ये इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है बाप रे। अभी मैं ऐसे रेडी होके नहीं, सिर्फ नहा के आई क्योंकि अभी रेडी होने का मन नहीं था क्योंकि कल इतनी रेडी हो गई थी ना, आज बिल्कुल मन नहीं है कि रेडी होके आ जाओ। तो अभी गणपति विसर्जन होगा तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि ऐसे मतलब गणपति जाएंगे, पर कोई नहीं, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो अभी गणपति का विसर्जन होगा और यहाँ पे ना ये तैयारी चल रही है सब, जैसे कि ये गणपति जाएंगे। ए तू किधर जा रही है? आज ये बहुत मस्ती के मूड में है, इन लोगों ने ये सब फाउल बोलते हैं इसको, ये निकाला है। अभी गणपति जाएंगे तो अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है क्योंकि ये किसी को पसंद नहीं है कि ये लास्ट वाला मोमेंट जो रहता है, बट कोई नहीं गाइज, अभी मैं ब्लॉग हम लोग एंड करते हैं। और ये ब्लॉग तो मैंने ऐसे ही मतलब बनाया था कि आपको सब मेरी फैमिली देख रही थी और बहुत मज़ा आया। तो जैसे आप लोगों ने प्यार दिया वैसे ही प्यार देना, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना। और हाँ, रोहित और मेरा सॉन्ग जल्दी आ रहा है 24 को, तो सॉन्ग को भी बहुत ज़्यादा प्यार करना और लव यू, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मुझे बहुत सारा प्यार दो। गणपति बाप्पा मोरया, मूर्ति मोरया। अरे यार कशाला रे संड्या पोंड्या गोंड्या बिट्टू, हळू चालू जरा।